नेता के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं और वो खास नेता हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव कितना अलग है? 2019 से 2024 का चुनाव अच्छा है, क्योंकि 2014 से लेकर 19 तक 10 साल में जो इस देश में विकास के काम हो गए मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमारे राज्य में जो काम हुए पिछले 2 साल में, इसके वजह से कई निर्णय हमने लिए। इंफ्रा प्रोजेक्ट जो शुरू है, जो पिछले सरकार में बंद थे, महाविकास आघाड़ी सरकार, हमारी सरकार जैसी बनी वो सब उससे हटा दिए, प्रोजेक्ट शुरू हो गए, मेट्रो का, कार शेड का, समृद्धि हाईवे का, कोस्टल का, कई ऐसे मैं कितने गिनाऊं। सर, 2019 में जो आपके साथ थे और जो आपके विरुद्ध थे, 2024 में उल्टा हो गया, जो आपके विरुद्ध थे वो आपके साथ हो गए और 2019 में जो आपके साथ थे वो आपके विरुद्ध खड़े हो गए। ये तो देखो, ये राजनीति में कुछ आइडियोलॉजी होती है, विचार होते हैं, विचारधारा होती है, एथिक्स होते हैं, इसका तो पालन करना चाहिए। 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार गठित हुई, जो लोग नहीं चाहते, लोग नाराज, इसमें जब शिवसेना और भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़े तो उद्धव जी ने बीजेपी के साथ जो सरकार बना ली, लेकिन जैसे ही रिजल्ट हो गया और आंकड़े सामने आने के बाद उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया, स्ट्रेटजी बनाई, और बाला साहब ठाकरे जी नहीं चाहते थे उनके विचारधारा के खिलाफ जाकर सरकार बना ली। सर, लेकिन ये 2019 से और अभी तक ये सरकार जो टॉपल हुई थी, तो हमेशा कहा जाता था कि ढाईडा साइल की बातचीत हुई थी, बंद कमरे में उद्धव जी और अमित शाह जी हुए थे कि ढाई साल उद्धव जी रहेंगे, ढाई साल बीजेपी के रहेंगे, ये दावा कर रहे उद्धव ठाकरे जी। वो बोले ढाई साल हमारी बात मानी नहीं गई, ढाई साल का कमिटमेंट हमने दिया नहीं गया, इसलिए हम सरकार से छोड़ रहे हैं। ये अंदर की बात क्या थी, ढाई साल वाला कमिटमेंट था क्या? देखिए, अगर कमिटमेंट होता तो मोदी जी और अमित भाई क्यों नहीं करते, उनके पास पूरा देश की सरकार उनके पास। और जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी को बनाया उन्होंने, वैसे इनको बनाते, लेकिन ये सब झूठ था। सिर्फ अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाते वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और इसलिए ढाई साल वाली बात आई। और बंद कमरे में ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई, ऐसा अमित भाई खुद बोल रहे हैं, देवेंद्र जी बोल रहे हैं, और ये एक लोगों को गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ढाई साल हमें दिया नहीं, लेकिन ढाई साल की बात ही नहीं अगर हुई तो इसका मतलब क्या है? तो लोग जानते हैं, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन ये भी है कि उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि मुझे सीएम बनाने का मुझे मन नहीं था, महाविकास आघाड़ी में जो लोग थे, जो वरिष्ठ नेता थे, वो मांग कर रहे थे सीएम बनने के लिए, इसलिए मैं सीएम बन गया। ऐसा किसी को क्या पड़ी है, पार्टी का निर्णय पार्टी लेती है। ये इन्होंने ही दो दूत भेजे और बोले मेरा नाम सजेस्ट करो, ये क्या बात छुपती है क्या? ये पता चल जाता है उस पूरे प्रक्रिया में जो थे, वो तो सब मुझे भी मिलते हैं, बात भी करते हैं। तो ये उनका सपना था बहुत पहले से, बाला साहब ठाकरे जी का सपना क्या था, कभी सत्ता का पद नहीं लेना, कार्यकर्ताओं को बनाना, लेकिन इनका उल्टा था, हम खुद बन जाए, हमारे परिवार बन जाए। सर, इसमें जब भी उद्धव जी रैली करते हैं, आदित्य ठाकरे रैली करते हैं, तो हमेशा कुछ न कुछ आपको लेकर पुरानी बातें बोलते हैं। अभी आदित्य ठाकरे ने कुछ दिन पहले पिपली चिंचवड़ में वाला बड़ी बात कही कि जब आपके गोडाउन से बड़ा कैश मिला था तो आप रोते हुए उद्धव जी के पास गए थे, उन्होंने आपने बोला था कि बीजेपी में शामिल हो जाए नहीं तो सब जेल में चले जाएंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? अभी 2 साल के बाद सुझा क्या उनको, 2 साल हो गए ना सरकार बन के, तो अभी क्या आप पहले क्यों छुपे रहे, क्यों मुंह बंद था? क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, एविडेंस भी है, लेकिन मैं एक मर्यादा
संभालने वाला एक इंसान हूँ। ये ऐसे बचकाने आरोप लगाने का मेरा काम नहीं है। आपको कुछ एविडेंस है तो खुलासा कब करेंगे? बिल्कुल समय पे, अगर एक मर्यादा से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं करूँगा। तो आपको लगता है कि अभी तक मर्यादा से बाहर नहीं गए, जैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो, जैसी बातें बोल रहे हैं, ये तो उनको भुगतान करना पड़ेगा ना। जितना गालियां देंगे पब्लिक उनके खिलाफ जाएगी, पब्लिक हमारे साथ आएगी। 2014 में पब्लिक ने, इन्होंने मोदी जी को गाली दी, 2019 को मोदी जी को गाली दी, क्या हुआ? पब्लिक तो ज्यादा जुड़ गई। ऐसे महाराष्ट्र में भी होगा। सर इसमें अब ये भी है कि जब आप उद्धव ठाकरे जी के साथ थे तो इससे भी खबरें आई कि महाविकास अघाड़ी बहुत बड़ा प्लान रच रही थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही थी, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, ये क्या कह रही थी सर? सच्चाई है उसमें, क्योंकि ये जो लोग महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता थे उन्होंने सही में प्लान बनाया था कि महाविकास अघाड़ी मजबूत करने के लिए, वो तो हर पार्टी मजबूत करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन किसी को ये प्लानिंग करना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब करना और किसी को जेल में डालना और अपनी पार्टी मजबूत करना, सामने वाले की पार्टी तोड़ना, ये तो ठीक बात नहीं थी। कौन कौन से नेता को जेल में डालने की प्लानिंग हो रही थी? मैंने पहले भी बताया है, गिरीश महाजन थे, ये आशीष शेलार थे, प्रवीण दरेकर थे, प्रसाद लाल थे, देवेंद्र जी खुद भी थे। ये इनको जेल में ठूसना और बीजेपी के पार्टी के विधायक तोड़ना, ये पूरा प्लान था। सर आप इतने साल तक राजनीति में रहे, 2 साल पहले कितना चेंजेस हुआ और अभी आप अपने को कहाँ देखते हो? कैसे? जैसे आप कितना स्ट्रगल किया आपने, कभी आपको लगा था कि आप सीएम बनेंगे, राज्य को लीड करेंगे? मुझे ऐसा, मैं कोई अपेक्षा कोई फल मिलेगा ऐसा काम इसलिए काम नहीं करता। मेरे पास जो जिम्मेदारी आती मैं उसका काम करता, वो पूरा निभाता हूँ ईमानदारी से, और इसलिए मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा इसलिए काम करूँ ऐसा मेरा पहले से मेरा फितरत नहीं है। मेरा काम करने का तरीका भी वो नहीं है। जो जिम्मेदारी आए उसको निभाओ, पार्टी को बड़ा करो। अभी इनको पार्टी बड़ी नहीं करनी है, खुद को बड़ा होना है, खुद का स्वार्थ जागरूक हो तो पार्टी कैसी बढ़ेगी। इसलिए हमारी पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता एक समान है, कोई मालक नहीं कोई नौकर नहीं इनके में। जब बाबा साहेब ठाकरे सभी लोगों को जो सहयोगी थे उनको मराठी में कहते सवंगड़ी, कहते सवंगड़ी मतलब सहयोग, और ये कार्यकर्ता को हमारे वजह से कार्यकर्ता है। कौन है आप लोग? हम है तो तुम है। कार्यकर्ताओं को घरगड़ी घर नौकर बोलते थे, मालिक और नौकर, ऐसे पार्टी नहीं बड़ी होती। हमारे पार्टी में सब समान है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सर अभी मैं आपसे सिर्फ एक इंसान का नाम बोलूंगा, आपको उस इंसान के बारे में जिक्र करना है। बाला साहब ठाकरे हमारे आदर्श है और हमारी प्रेरणा है, हमारे तो वो गॉडफादर, उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर हम काम कर रहे हैं। आनंद देवी जी हमारे गुरु, उन्होंने मुझे बड़ा किया, मेरे सुख दुख में खड़े हुए हैं। जब मेरे ऊपर जो भी आपदा आती संकट आते हैं तब मेरे पीछे पूरी ताकत से खड़े थे, उनके बदौलत में आज आपको सामने दिख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष, आज देश को आगे बढ़ाने वाला, एक भी चुटी नहीं लेने वाला, और आज पूरे दुनिया में एक नंबर पे पॉपुलैरिटी पे खरा उतरने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है। देश का ये सौभाग्य है, देश को आगे बढ़ाना उनका मकसद है, और इसीलिए मैं उनको बहुत चाहता भी हूँ और मानता भी हूँ। अमित शाह जी तो जहाँ हमारे सरकार बनाने में उनकी मोदी जी का आशीर्वाद था और अमित जी की सब पूरा सहयोग था। अमित जी मोदी जी के जितने भी सपने हैं उनको आयाम देने के लिए, उनको कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जिसके पीछे एक बार जो बोलते हैं वही करते हैं, जिसके पीछे खड़े रहते हैं चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। जब दुनिया की सोच खत्म होती है जहां पर, उससे उनकी सोच शुरू होती है, उनका काम शुरू होता है, ये मैं खुद अनुभव लिया है। देवेंद्र फडणवीस ये मेरे मित्र हैं और बहुत ही होनहार हैं और एक विजनरी नेता है,
5 साल उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, आज मेरे साथ में हम टीम बनकर काम कर रहे हैं, इसका फायदा हमारे राज्य को हो रहा है, विकास के लिए हो रहा है। अजीत पवार, वो भी हमारी सब मोदी जी का काम, विकास का काम देखकर, सरकार का काम देखकर सपोर्ट में आए, वो भी मेहनत कड़ी करते हैं, जो होने वाला है उसको हाँ बोलते हैं, नहीं होने वाला उसको ना बोलते हैं, उनका भी काफी सहयोग इस राज्य के विकास में भी हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे, अरे भैया वो मेरे बारे में ये छोड़ के आधे घर में बैठना और फेसबुक लाइव करना, आदित्य ठाकरे, अरे तो ऐसे कुछ कहना नहीं चाहता। संजय निरुपम तो उत्तर भारतीय है, बहुत अच्छा लीडर है, अच्छा ओरेटर स्पोक्स पर्सन है और मेरा मित्र भी। संजय राउत, अरे बाबा ऐसे क्यों नाम लेते हो। संजय राउत के लिए कुछ, लेकिन वो तो बहुत बोलते आपको, मतलब वही तो मैं बोला, अभी उन्होंने क्या क्या मुझे कहा है वो तो उनको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन मैं उसको ज्यादा वो लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, उसको ज्यादा महत्व देना नहीं चाहता। वो लोग संजय राउत लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, क्या लोगों को तो पसंद नहीं ना, इसलिए तो पीछे पूरी पार्टी खड्डे में डालने का काम कर रहे हो, तो पार्टी में खड्डे में डालने का सबसे बड़ा रोल उनका है आपके हिसाब से। अरे भाई मुझे मुझसे क्यों बुलवाते हो, लोगों को मालूम है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी, खुलकर बातचीत की उन्होंने, सारे मुद्दों पे बातचीत की और सबके नेताओं के बारे में चर्चा की और सारे नेताओं के बारे में बताया भी।